वंदे गौ मातरम वंदे वृक्षम। आज मैं आपको बंदर को भगाने का शानदार जुगाड़ बताने वाला हूँ। देखिए हमारे पीछे ये कैक्टस दिख रहे हैं जिसपे छत में और यहाँ पे इनने लगाए हैं, और ये 12 महीने हरे रहते हैं, ये खराब नहीं होते, तो इसके कारण यहाँ पे बंदर आना बिल्कुल बंद हो गया। क्योंकि ये पत्ते यहाँ पे पेड़ के पत्ते गिरते हैं तो यहाँ नमी भी बनी रहती है, तो ये इसमें कोई मेंटेनेंस भी नहीं लगता है और यहाँ बंदर नहीं आते। अब मेरे साथ एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर जो प्रकृति खेती पे यहाँ पे विश्व के सबसे बड़े गौ विज्ञान अनुसंधान में काम कर रहे हैं, गौ विज्ञान अनुसंधान में पूरा काम देख रहे हैं और निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, तो और वेटरनरी में भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। तो वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए आप। जैसे यहाँ पे 2 बजे बंदर आने के बाद में नींद खराब होती थी, तो हमने जब से यहाँ पे लाके रखे, झाड़ों के पत्ते यहाँ पे गिरते और वही डिकम्पोज होने के बाद में वही उनको खाद मिल रहा है और हल्का हल्का पानी भी मिलता रहता है, तो उस कारण से वो झाड़ नीचे भी बढ़ते रह गए, तो जो हमारा कैक्टस है फैल गया एक हिस्सा, और ये 12 महीने तक रहता है। धूप काले में भी ऐसे ही रहता है ज्यादा, तो अब इसमें बंदर बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल बंदर नहीं आते। और मतलब कैक्टस फैलने के बाद में क्या हो गया हमारे यहाँ कि जो गर्मी के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज्यादा तीन होने के कारण गर्म होता था, तो हीट होता था, तो हीट होने के कारण से जब से हमने यहाँ पे ये रखे है तो इसे जो रूम का टेम्परेचर है वो भी बहुत अच्छा मेंटेन है।